मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, स्पॉन्सर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज आप किसी ऐसे इंसान को जज करने के लिए बिठाएं जो बच्चों के इमोशंस की कदर करे। पता नहीं कितने लोगों के सपने टूटते हैं। अभी आएंगे ऑडिशन पे। अंबरी उड़ारियां सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां, ओ लावा इश्क दे अंबरी उड़ारियां सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। क्या बात, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो पर भाई आई कर दो भाई, जोश कहाँ है भाई तुम लोग का। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल को के इश्क कमाया, मांगा जो उसने एक सितारा, मैंने जमीन पर चांद बुलाया, जो आंखों से आए वो, जो आंखों से एक पल्ला हो जल हुए, वो जो आंखों से एक पल्ला हो जल हुए, लापता हो गए देखते देखते, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ के वो कितने। बढ़िया मन खुश कर दिया यार अच्छे से। क्या नाम है? लवदीप। तुम्हारा? अमृत। देखूंगा मारू। क्या नाम है? जी भाई सुल्तान रजा नाम है मेरा। कहाँ से आए वो? लखनऊ से। लखनऊ से मतलब कब से आए वो? आजकल से कब से बैठे हैं यहाँ पे? यहाँ से तो भैया पूरा दिन हो गया स्टेशन पे, रात हो गई, रात गुजारा पूरी रात से बैठो। इतने पैशन है, इतना जुनून है कि इंडियन आइडल बनने का। जी बिल्कुल सर। अच्छा कुछ सुना दो पहले। जी सुना दो कि ऑडियंस, तुम्हारी जो ऑडियंस है देख सके कि तुम कैसा गाते हो। प्यार है या सजा ऐ मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसी कैसी इम्तिहा, यह प्यार। नितिन शर्मा, मैं मथुरा से कृष्ण नगरी से आया हुआ हूँ। क्या गाते हो? गाते क्या? जय श्री राधे बारह। एक राधे के लिए एक एक कुछ सुना दो राधे नाम पे। और राधे बरसाने में आए जइयो प्यारी, और बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी। पहले
जोश की तरह भाई, जोश का है। हाथ हिला दो भाई सारे। क्या नाम है? समीर खान। कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर के एक छोटे से नगर, यूपी से। यूपी मुजफ्फरनगर के एक छोटे से। क्या गाओगे बताओ आज, क्या गाने वाले हो? ऑडिशन समझ लो, ये तुम्हारा ऑडिशन है, प्रैक्टिस करवाना तुम्हारी। सूफियाना गा दो। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवाली है इश्क कोई, महकी से प्याली है इश्क कोई, सुबह के लाली है इश्क कोई, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जहां से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी जान तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवाली है इश्क कोई, महके से प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क कोई। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा गाते यार तुम तो, सही में दिल जीत लिया। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, कोई रहता है वो हो तुम, नजर के सामने जिगर के पास। अच्छा कौन रहता है जिगर के पास, बताओ। जिगर के पास भाई मेरा सिंगिंग रहता है। सिंगिंग रहता है, इतना प्यार करता है सिंगिंग। मैं सिंगिंग मेरा गॉड है भाई, सिंगिंग से मैं, हाँ सिंगिंग से मैं इतना प्यार करता हूँ कि मेरी लाइफ में सिंगिंग सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज, देखो यार ये पैशन होता है कि बंदे इतने पैशन के साथ आते हैं यहाँ पे। अब देख सकते हो आप जो आ रहे हैं कल ऑडिशन देने, वो उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या भी वाली यार, कंटेस्टेंट का लेवल किस तरह का होने। मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा मतलब कब से आए हो यहाँ पे ऑडिशन? मैं कल रात 8 बजे से आया हुआ हूँ, और कल रात से 8 बजे से हमने कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ नमकीन खा के गुजारा किया, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ये रियलिटी शो है यार, यहाँ पे वाकई में टैलेंट की कदर होती होगी, और टैलेंट की कदर होनी भी चाहिए, क्योंकि यार बंदा जब भूखा प्यासा रहता है अपने टैलेंट को लेके आता है। यार मैंने सारे गांव में भी परफॉर्म किया है, मैं वहाँ पे सारे गांव पा, मैं बॉम्बे 4-3 महीने रह के आया, वहाँ पे खूब अच्छे से परफॉर्म करके आया, मेरे अंदर टैलेंट था तभी तो मैं वहाँ गया। अंदर क्या हुआ मतलब ऑडिशन अंदर? ये हुआ कि उन्होंने हमें 4-3 सेकंड का टाइम भी नहीं दिया ठीक से, और एक लड़की बैठी हुई थी और उसने कहा कि बस थैंक यू। कैसा था? ओके एक्सपीरियंस वाज गुड, लगा था आज मौका ही नहीं मिलेगा, नंबर लगे। कितना टाइम मिला एक पर्सन को? 3-4 मिनट्स। 4 मिनट्स मिल गए। वैसे बहुत सारे और लड़कों का कंप्लेन है कि उनको बस 5-10 सेकंड मिला था, मुझसे उससे मिला ही नहीं। आपको 3-4 मिनट्स मिला? पता नहीं कितने लोगों के सपने टूटते हैं, उम्मीदें लेकर। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मतलब मेरा इंडियन आइडल 9 में खुदा बख्श मेरे साथ थे, वो परफॉर्मेंस मैंने जजेस के सामने, जो रियल जजेस थे सोनू निगम, अनु मलिक, फराह खान मैम, मैं अपनी वाइफ को लेके उनके सामने गया था, उन्होंने कहा अरे तुम्हें तो बहुत बड़े बड़े लोग फोन करके बुलाएंगे, अरे विजेंदर तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन आज तक मुझे किसी का कॉल नहीं आया है। हाँ जी क्यों नहीं? ओ मेरा साईं जाने मेरे दुख नू, और कोई जाने ना, ओ मेरा साईं जाने मेरे दुख नू, और कोई जाने ना। होंगे ना, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे कि वो लोग जाए ऑडिशन देने कि नहीं जाए, जो सिंगर है जो नेक्स्ट ऑडिशन के लिए आ रहे हैं?
मैं तो ये बोलूंगा ना जा भाई, नहीं जाए ना जाए। अच्छा क्यों? क्या भाई ऐसे जाने का क्या मतलब, हम यहाँ बारिश में भीग के 11 बजे से आके भाई, पूरी रात के 11 बजे से बैठे हैं भाई, देखो रात के 11 बजे से आके भाई बारिश में भीग के खड़े हैं, अभी तक खड़े ही हैं। इंडिया में लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को बेवकूफ जिस तरह से बनाया जा रहा है, ठीक है ना। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है मैं गरीब हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस चीज को साबित करके दिखाऊंगा कि अगर मेरा आर्ट सच्चा है ना, तो मैं इससे भी ज्यादा कामयाब सिंगर बन के दिखाऊंगा। इंडियन आइडल बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ही गुणी इंसान बैठते हैं, प्लीज यहाँ पे बहुत ही गुणी इंसान बैठते हैं, लेकिन स्पॉन्सर से जो इसके ऊपर फाइनेंस करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, सर प्लीज किसी ऐसे इंसान को बिठाए जो बच्चों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ ना करे, पूरा टाइम तो दे कम से कम। अच्छा आगे जो ऑडिशन होने वाले हैं नेक्स्ट शहरों में, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? वहां पे जो ऑडिशन देंगे मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि भाई अपनी पूरी तैयारी करके आए, अच्छे से परफॉर्म करें। बाकी मुझे लगता नहीं है कि यार भी ज्यादा कामयाब सिंगर बन के दिखाऊंगा, और अब मैं इंडियन आइडल में ना इसके बाद अब कभी नहीं आऊंगा, ऑडिशन नहीं अदा करके जा रहा हूँ दोस्तों। और इंडियन आइडल से भी ज्यादा कामयाब सिंगर मैं अगर ना बन के दिखाया तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। बता दो ऑडियंस को, मेरा नाम है विजेंद्र कुमार, लोग मुझे मनोरंजन चाचा के नाम से भी जानते हैं। मनोरंजन चाचा का नाम फेमस होने वाला है कुछ सालों में, याद रखना बस।